सो हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका फॉरेक्स फॉर अनबॉक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं मोटोरोला के एक नए स्मार्टफोन की, जिसका नाम है मोटो G13। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये स्मार्टफोन आपके लिए है या नहीं, तो सब कुछ बताओगे इसके बारे में। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं फ़ोन के बिल्ड मटेरियल से। तो बैग में आपको देखने मिलता है प्लास्टिक बॉडी, जिसमें आपको दो कलर वेरियंट में देखने मिल जाता है फ़ोन, मैट चारकोर और ब्लू लेवेंडर कलर में। और स्क्वायर में आपको ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल देखने मिलता है। और पुल्स और बटन की बात करें तो राइट साइड में आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन देखने मिलता है, जिसमें आपको अंडर फिंगरप्रिंट सेंसर भी देख मिल जाता है। लेफ्ट साइड में एक सिम स्लॉट है, जिसके अंदर आपको ड्यूअल सिम का सपोर्ट है और माइक्रो एसडी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। बॉटम में टाइप सी पोर्ट, स्पीकर, माइक। टॉप में देखने मिल जाता है 3.5 mm का जैक और स्टीरियो स्पीकर। तो अच्छा है कि 10,000 के रेंज में आपको स्टीरियो स्पीकर देखने मिल जाता है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो सही है प्राइस के हिसाब से। तो बढ़ते हैं फ़ोन की डिस्प्ले की तरफ, जिसमें आपको 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने मिल जाता है, जो एक 720 रिजोल्यूशन का डिस्प्ले है, जिसमें आपको फुल HD वीडियो सपोर्ट नहीं कर सकते, जो एक इसका डाउनग्रेड पॉइंट है। साथ में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है। अगर ब्राइटनेस नेट की बात करूँ तो 400 निट्स का ब्राइटनेस पीक है, तो आउट ऑफ में थोड़ा दिक्कत तो हो सकता है डिस्प्ले के अंदर। ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूँ तो एवरेज का होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोन के परफॉर्मेंस की। तो मोटो G13 में दिया गया है MediaTek हीलियो G85 एसोसिएट ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जिसमें आपको 4GB रैम और 64GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट देखने मिल जाता है। और इस फ़ोन की एक अच्छी बात है कि आउट ऑफ बॉक्स आपको एंड्रॉयड 13 मिलता है, जो एक अच्छा पॉइंट है इसके लिए। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी बात करो तो डे टू डे टास्क आप अच्छे से कर सकते हो और थोड़ा बहुत कुछ गेमिंग भी कर सकते हो इसके अंदर। तो बढ़ते हैं फ़ोन के कैमरा की तरफ, जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मॉड्यूल देखने मिल जाता है, जिसमें 50 MP का मेन कैमरा, 2 MP का माइक्रो कैमरा और 2 MP का डेप्थ कैमरा। वहीं पे फ्रंट में देखें तो 8 MP का पंच होल कटआउट में सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है। तो ओवरऑल कैमरा की बात करो तो एवरेज क्वालिटी में होगा, अगर अल्ट्रा वाइड सेंसर होता तो भी अच्छा रहता। तो फाइनल बढ़ता है बैटरी की तरफ, जिसमें आपको 5000 mAh का बैटरी देखने मिल जाता है, साथ में 10 W का एक क्विक चार्जर देखने मिल जाता है। तो एक ही एक पॉइंट है इसका जो डाउनग्रेड में डालता है फ़ोन को, ये 10 W का चार्जर तो आजकल नॉर्मली यूज़ के अंदर 18 W का तो देता ही है। तो ओवरऑल फ़ोन की बात करूँ तो एक एवरेज लेवल का कहूँगा। अगर आपका डे टू डे टास्क है, थोड़े बहुत कुछ गेमिंग करना है, तो आपके लिए फ़ोन सही रहेगा। तो कैसा लगा फ़ोन और वीडियो कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।